फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आए हैं। देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज मैं आपको पार्टिकुलर कंपनी के एक मॉडल पर चार्जिंग का सॉल्यूशन कूल एंड हॉट टेस्टिंग के जरिए बताने वाला हूं। इसमें मैंने एक पार्टिकुलर मॉडल को आज टारगेट किया है, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा फॉल्ट देखा है मार्केट में, और इससे रिलेटेड कई सारे मॉडल्स हैं जिस पर ये फॉल्ट आ रही है। एक मैंने अभी चार्जिंग के लिए सॉल्यूशन लिया है सैमसंग J2 के मोबाइल में, तो देखते हैं कि उस मोबाइल में किस तरह से क्या और किस तरह की रिपेयरिंग होती है, किस तरह का कनेक्शन होता है, किस कनेक्शन को कहां से कहां फिट किया जाता है। इसका कंप्लीट चीज रिपेयरिंग आज मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बताने वाला हूं, विद प्रैक्टिकल, जिसमें कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों रखूंगा। हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग का अंतर मैं आपको बताऊंगा। कूल टेस्टिंग जिसमें आप मल्टीमीटर और सप्लाई के बीच की कनेक्शन को मल्टीमीटर के द्वारा फाइंड करते हैं, जिसमें वोल्टेज की लेवल नहीं देखी जाती। और एक होता है आपका हॉट टेस्टिंग, जिसमें कि आप रिपेयरिंग तो कर जो करते हैं उसमें आप वोल्टेज का लेवल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे और किस तरह से इस चीज को चेक कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में सैमसंग J2 के एक मोबाइल का बोर्ड पड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी मोबाइल को डिसेंबल किया है, ये बोर्ड है। इस पर चार्जिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें चार्जिंग का जैक लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी की कनेक्टर लगी हुई है, यहाँ पर हमारा बैटरी रखा हुआ है। तो अब इसके दरमियान हम वोल्टेज लेवल को चेक करेंगे, प्लस उसके सर्किट को चेक करें, और उससे हम इसके सप्लाई को बनाएंगे। तो चलिए हम इसके लिए थोड़ा सा पहले कूल टेस्टिंग के द्वारा इसके कुछ कंडीशंस चेक कर लेते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है। हमने क्या किया है, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर सेट कर दिया, क्योंकि अभी हम कूल टेस्टिंग की सप्लाई आपको दिखाने वाले हैं। मल्टीमीटर का दोनों वायर हमने लिया। अब पहले हम बैटरी चार्जिंग कनेक्टर के इन पॉइंटों पे ये क्लियर कर लें कि इसका पॉजिटिव ट्रैक कौन सा है, निगेटिव ट्रैक कौन सा है। तो हमने मल्टीमीटर को बजर पर रखा है। रेड वायर को फिलहाल हमने यहाँ पर देखिए ग्राउंड पर रख रहे हैं। इसमें एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ निगेटिव होगा। आप देख रहे हैं कि ग्राउंड से चेक करने पर जहां पर वैल्यू शो करता है दोनों साइड में, यानी कि आप देख रहे हैं फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट का जो पिन है, तो इधर का आप एक पिन देख रहे हैं जिस पर आपको क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये सर्किट का पॉजिटिव पोल हुआ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट वाला पिन जो है यहाँ पर बजर की बीप दे रही है, यानी कि माइनस का पोल हुआ। इस तरह से आपने पिन को फाइंड कर लिया। अब देखिए इसके पॉजिटिव ट्रैक में क्या क्या लगा हुआ है। इसी को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि इन मल्टीमीटर के दोनों प्रोब में से एक वायर को इसके यहाँ पर चार्जिंग जैक के पॉजिटिव पर रख दिया हमने। अब इसे रिलेटेड पॉइंट्स से हम जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट है उसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे पॉइंट लग रहे हैं जो आप नजर आ रहा होगा आपको, कई सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसमें। यहाँ पर एक NPC है और यहाँ पर एक दूसरी NPC है। तो देखते हैं इन दोनों NPC पर इसकी सप्लाई है, कैसे पता करेंगे इस चीज़ को। तो हमने पॉजिटिव पर एक वायर रख दिया है, एक वायर से हमने इसके सप्लाई को चेक किया। अगर यहाँ पर सप्लाई होगी तो इसका बजर पॉइंट आएगा, और बजर पर मल्टीमीटर आपका बीप दे रहा है, यानी कि यहाँ तक का सर्किट इसके सप्लाई से जुड़े हुए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक NPC की कनेक्शन आपको मिली है, इसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर एक दूसरा NPC लगा हुआ है जो यहाँ से बीप दे रहा है। बस चार्जिंग कनेक्टर के पास में पॉजिटिव के ट्रैक से मात्र यही दो कंपोनेंट जुड़े हैं। इसके तुरंत बाद इसका कनेक्शन चला जाता है बैटरी कनेक्टर के हिस्से में। यहाँ पर चार्जिंग का सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 8 पिन के रेगुलेटर IC का यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक 4 पिन डायोड का यूज़ किया गया है, और कुछ NPCs लगाए गए हैं। इसके जरिए इसका कनेक्शन UEM IC में भी सपोर्ट करवा दे रहा है। तो देखते हैं कि इसका कहानी किस तरह से आगे के लिए बढ़ता है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, पहले ये फाइंड कर लें कि बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव और निगेटिव पोल कौन सा है। इसके लिए आप बैटरी भी देख सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में बैटरी क्यों लगाते हैं, तो जब बैटरी का आप लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चार पोल है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि पॉजिटिव का पॉइंट ये रहा और निगेटिव का पॉइंट लास्ट से दूसरा वाला रहा। आप इसको अगर ऐसे चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं। बजर पर सेट कीजिए, जो माइनस का पिन होगा ग्राउंड से बीप देगा, और पॉजिटिव के पिन पर वैल्यू आती है, BSI के पिन पर भी वैल्यू आती है। पॉजिटिव के और BSI के पिन पे आने वाली वैल्यू पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पॉजिटिव के पिन पर जब हमने रखा तो यहाँ पर वैल्यू थी 307, BSI के पिन पर जब हमने इसको रखा तो वैल्यू थी 576 या 500 समथिंग। हमेशा याद रखिएगा जिस पिन की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमेशा BSI का पिन होता है, जिस पिन की वैल्यू कम होती है वो पॉजिटिव का पिन होता है। इस तरह से हम पिन फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हॉट टेस्टिंग के दरमियान चेक करने के लिए कि कनेक्शन किस तरह से फाइंड किया जाए। हमने अपने मल्टीमीटर के पॉइंट को 20 वोल्ट DC पर सेट कर रखा है। अब हम यहाँ पर मोबाइल के बोर्ड पर यानी कि चार्जिंग कनेक्टर से हमने चार्जर को लगा देना है, जो हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब 20 वोल्ट DC पर रखने के बाद हमारे मल्टीमीटर का दोनों प्रोब चार्जिंग कनेक्टर के इस दोनों पिन से अटैच हो जाता है।
आपको दिख रहा होगा कि चार्जिंग की जो वोल्टेज चार्जर के द्वारा बन रहा है कनेक्टर को, वहाँ पर 5 वोल्ट समथिंग शो कर रहा है, यानी ये वोल्टेज 5 वोल्ट है। यहाँ से इस कनेक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए आप एक पिन को सीधा ग्राउंड पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि माइनस के पोल से सपोर्ट है। एनपीसी के पॉजिटिव पोल पर आकर के देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई बन रही है। दूसरे एनपीसी के पोल पर आकर के देखिए, ये 5 वोल्ट सप्लाई बना रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई उस समय नहीं बनेगी जब आपका एनपीसी ये शॉर्ट होगा। उसको आप नॉर्मल टेस्टिंग के जरिए, यानी कि कूल टेस्टिंग के जरिए चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को बजर पर सेट करेंगे, इसके दोनों हिस्से को चेक करेंगे। इसका एक हिस्सा ग्राउंड से टच है और दूसरा हिस्सा सप्लाई से टच है। अगर इसका दोनों हिस्सा आपको बीप देता है तो उस एनपीसी को वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि अगर दोनों हिस्सा इसका बीप देने लग गया उस दरमियान आपकी एनपीसी शॉर्ट हो गई रहती है, तो उसको खोल करके हटाना अनिवार्य होता है आपके लिए और वहाँ पर दूसरा रिप्लेस करना। अब चलते हैं हम इसके अगले कनेक्शन में, जो बैटरी कनेक्टर के पास लगे कंपोनेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बड़ा सा एनपीसी है इस सेक्शन में, इस साइड में। जहाँ पर इस एनपीसी के इस पोल पर हम आकर के देखते हैं तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, जो चार्जिंग कनेक्टर के सप्लाई पॉजिटिव पर बन रहा था। ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से उठ रहा है और इस डायोड में आ जाता है, और इस डायोड के जरिए ये फिल्ट होकर के कहाँ पहुँच रहा है, आपके चार्जिंग रेगुलेटर के पास प्लस। अब यहाँ से आप बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पोल को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट समथिंग। अगर यहाँ पर ये करंट नहीं आता है तो उस समय क्या होगा कि आप इस डायोड को शॉर्टिंग के लिए चेक, सॉरी, इस एनपीसी को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, इस एनपीसी को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, इस एनपीसी को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। इससे पहले आप चार्जिंग जैक पर बनने वाले वोल्टेज जैसे हमने अभी चेक किया था वैसे चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर बन रही है तो आपका जैक सही होता है। इस एनपीसी में अगर फॉलो नहीं है तो आगे के लिए ट्रैक बढ़ाते हैं आप आगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एनपीसी लगा हुआ है, इसके वोल्टेज चेक कर लिए, इसका सप्लाई चेक कर लिया। अगर ये खराब है तो इसको बदल दिया जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर डायोड लगा हुआ है, इसके अगर इसके बाद यहाँ तक वोल्टेज बन रही है और इससे आगे वोल्टेज नहीं बन रही है तो इस डायोड को चेंज किया जाएगा। फाइनली अगर आप सब चेक कर लिए हैं, यहाँ पर सब कुछ सही है, तो ये 8 पिन का रेगुलेटर आईसी जो लगा हुआ है इसको आप चेक करेंगे और इस रेगुलेटर को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। पहले थोड़ा सा हीट दे करके आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हीट देने के बाद भी आपने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इस रेगुलेटर को आपको चेंज करना पड़ता है। इस तरह से आप जेटू से रिलेटेड किसी भी फोन में चार्जिंग की इशू अगर होती है तो आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियो के साथ हम आपको बहुत सारे रिपेयरिंग देते हुए आपको जो है रिपेयरिंग में लगातार अपडेट देते रहेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की रिपेयरिंग मार्केट में आज के डेट में एक ही इंस्टीट्यूट जो है करवा रही है, जो एक ही इन्फो है, चिप लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग, स्मार्टफोन, आईफोन, ब्लैकबेरी से रिलेटेड जितने भी अभी लेटेस्ट गैजेट्स आए हैं मार्केट में, इसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर प्रोवाइड करती है। अगर आप जानकार हैं और थोड़ा बहुत आपको अपडेट की जरूरत है तो आप वीडियो के नीचे चल रहे हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, अपना सपोर्ट ले सकते हैं। या फिर आप रिपेयरिंग नहीं जानते हैं और इच्छुक हैं कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करें, इसे सीखें, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। प्लस आपको इससे रिलेटेड या स्मार्टफोन की दुनिया में, बेसिक फोन में किसी भी तरह की कोई भी फॉल्ट आती है जो आपसे नहीं बन पाती है, आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके उसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले समय में आपके कमेंट के साथ अपने वीडियो में लगातार अपडेट लाते रहें, आपकी जरूरत के हिसाब से हम नए नए वीडियो आपको भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।